स्टेनलेस सेकंड ईसी मशीन का पैनल, पैनल पर जो कीज लगी है इसके बारे में आपको बता रहे हैं। ये बटन जो है इसका की है, ये स्पीड बढ़ाने के लिए है, ये स्पीड घटाने के लिए है, ये निडल पोजीशन को अप और डाउन करने के लिए है। निडल अप डाउन, यहाँ पर इंडिकेशन भी इसमें आ रहा है, ये निडल अप है और ये निडल डाउन है। ये ट्रिमिंग के लिए है, ट्रिमिंग ऑन ऑफ के लिए। अभी इस वक्त ट्रिमिंग हमारा ऑन है, इसमें डिस्प्ले में ट्रिमिंग ट्रिमर शो कर रहा तो ऑन है, अभी आपका ये ऑफ हो गया, ये ऑन ऑफ करने के लिए। ये प्रेशर फुट के लिए है, इसके जो फंक्शंस हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये जो बटन है ये ऑटो स्विंग है, इसमें जो भी फंक्शंस के आगे बताएं। ये हमारा बैक ट्रैक के लिए है, स्टार्ट बैक ट्रैक है, ये सिंगल डबल बैक ट्रैक आपका, और ऑफ ऑफ भी कर सकते हो, सिंगल कर सकते हो, डबल कर सकते हो। सेम ऐसे ही एंड बैक ट्रैक है, सिंगल बैक ट्रैक, डबल बैक ट्रैक, ऑफ। ये नॉर्मल स्विंग मशीन, नॉर्मल स्विंग के लिए है, ये डब्लू स्विंग के लिए है, बैक ट्रैकिंग करने, बार ट्रैकिंग करने के लिए। ये जो की है, ये प्रोग्राम लेबल लगाना है आपको या पॉकेट बनानी है उसके लिए। ये हमारा स्लो स्टार्ट के लिए है, और ये हमारा जो फंक्शन है वाइपर, ये वाइपर, ये थ्रेड टेंशन सिलेक्ट के लिए है, ये इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं वाइपर, एज ए वाइपर ये काम करता है। और ये पी प्रोग्राम में जाने के लिए है, और ये जो बटन हमारा है, ये जो प्रोग्राम हम करते हैं उसमें कितने स्टेप करने हैं उसके लिए, और कितने स्टिच करने हैं उसके लिए।